Mohitji Kamboj, President IBGA, Sri Dwivedi, Manoj Dwivedi ji, Joint Secretary, Government of India, Sri Govind Verma, Sri Aram Shishmanyan, Sri Prithviraj ji Kothari, Sri Swarup ji Gadgil, Ms. Ruth Crowell, Sri Sivanshu Mehta, other dignitaries present here, friends, ladies and gentlemen. यहाँ पे आकर काफी खुशी हो रही है कि पिछले आई थिंक तीन सालों से मैं यहाँ पर यही कॉन्फ्रेंस में आ रहा हूँ और आज इसलिए भी खुशी है कि आज आईबीजे जो है 100वें साल में प्रवेश कर चुका है तो 99वें साल की बात है बट 100वें साल भी साथ में ही है तो आप सभी को शुभकामनाएं कि आप 100 साल पूरे करने जा रहे हैं इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडिया ये जो इंडस्ट्री है ये करीब सोसाइटी जो समाज है उसी के साथ जुड़ी हुई है तो जब से समाज बना है तो गोल्ड इंडस्ट्री जुड़ी हुई है रामायण महाभारत गौतम बुद्ध शंकराचार्य जी सभी के समय में गोल्ड का जिक्र हुआ है और गोल्ड काफी इंपॉर्टेंट हुआ था उस समय भी इवन रोमन ग्रीक सभी जगहों पे 2000 साल पहले 4000 साल पहले लिखा गया है कि वहां की जितनी भी गोल्ड थी वो इंडिया में आती रहती थी तो ये हकीकत रहा इंडिया हैज बीन अ मैग्नेट फॉर गोल्ड हमने ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस नहीं किया है लेकिन हमने गोल्ड को ज्यादा इंपोर्ट किया है मैं वैसे इंडस्ट्री के आउटसाइडर गिना जाता हूं आजकल लोग मुझे इंडस्ट्री के अंदर भी मानने लगे तीन साल से आया हूं तो मोहित जी और पृथ्वीराज जी की वजह से आता हूं मैं और बीएससी क्योंकि ये इंडस्ट्री में आना चाहता भी है और बीएससी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है जब बीएससी की स्थापना हुई थी 143 साल पहले 143 इयर्स बैक उस समय से बीएससी का और बुलियन मार्केट का नाता है हमारे कई मेंबर्स आज भी बुलियन मार्केट में कई भाई हमारे मार्केट में कई भाई बुलियन मार्केट में भी है तो उस हिसाब से हमारी दोनों जो इंडस्ट्री जुड़ी हुई है और क्योंकि हम थोड़े ज्यादा पुराने 143 साल पुराने हैं और क्योंकि आप करीब करीब 100 साल पुराने हैं तो हम आपसे थोड़ा आगे हैं हमने जितना भी रिफॉर्म्स आप देख रहे हो आज हम लोग पहले जा चुके हैं 25 साल पहले हर्ष मेहता के समय जब कांड खुला खैर कांड तो दोनों में था बैंकिंग में भी था और ब्रोकिंग में भी था लेकिन क्योंकि रेगुलेटर वहां पर अच्छे थे उन्होंने कहा भाई कांड जो है ब्रोकिंग में है तो ब्रोकिंग सिस्टम को पूरा सुधारना चाहिए और हम लोग हमारी जो इंडस्ट्री थी सोच रही थी कि यहां पे वन ऑफ कांड है माने एक ही बंदा खराब था जो आज आप लोग सोच रहे हो आज मैंने जैसे भाषण भी सुने कि भाई वन ऑफ है अपने आप ठीक हो जाएंगे बेसिकली एक तरह से सोचने की जरूरत है कि सभी जगह पे है कि नहीं और हम कुछ गलत कर रहे हैं आज तो कैसे सुधरे हमारी इंडस्ट्री भी सोचती गई कि हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है ये लोग गलत बोल रहे हैं हम लोग तो हजारों साल से करते आए हैं तो इसमें क्या कर सकेंगे अब फाइनली न्यू स्टॉक एक्सचेंज वॉज सेटअप एनएसई और पूरा ऑटोमेट करना पड़ा उसी समय बीएससी ने ऑटोमेट किया होता तो एनएसई की जरूरत नहीं पड़ती तो आज आपके पास लीडर्स हैं कि जो वही दर सोच रहे हैं कि भाई अपने गवर्नमेंट का विरोध करे या तो गवर्नमेंट के साथ चले क्योंकि समाज जो है उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है हमसे इंडस्ट्री से वो बहुत ज्यादा बदल रही है हमें लग रहा है कि 10,000 साल से वो हमारे पे भरोसा कर रहे थे इसलिए अगले 10,000 साल पे भी भरोसा करना चाहिए इसलिए हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है 10,000 साल से भरोसा इसलिए कर रहे थे कि चॉइस नहीं थी ऐसा हम सोचते हैं कि लोगों को हमारे पे भरोसा है हमको भी मालूम है नहीं है राइट ये तो मन को मनाने की बातें हैं अंदर अंदर बात कर सकते हैं लेकिन आज समाज गवर्नमेंट को बोल रहा है कि भाई सुधारना पड़ेगा जैसे आपने बाकी सबको सुधारा उस हिसाब से यहां पर भी सुधारना पड़ेगा और हमारे लोगों ने भी विरोध किया बीएससी के लोगों ने वहां पर विरोध किया था सेबी का आने का इवन मेंबर रजिस्ट्रेशन के ऊपर विरोध हुआ था 40 दिन की स्ट्राइक पड़ी थी उसके बाद जो हाल हुआ है आपको सभी को पता है
मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि साथ में चलोगे, गवर्नमेंट जो करना चाहती है, गवर्नमेंट को भी जैसे मोहित जी ने बताया वो कोई इंडस्ट्री को बंद करना नहीं चाहती है, उसको एक तरह से रेगुलेट करके जैसे लोगों का ट्रस्ट बढ़े उसके ऊपर काम करना चाहती है। तो मेरे हिसाब से समय के अनुसार चलना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर भी मैं आया था तो जीएसटी की बात हुई थी, उसके पहले एक बात कहूंगा कि लास्ट ईयर जब इसी समय 16 मार्च को ये कार्यक्रम हुआ था तो उस समय भारत का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था स्टॉक मार्केट का 1.6 ट्रिलियन डॉलर का था, आज 2.4 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है। एक साल के अंदर करीब 35% मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा है भारत का। और इंडिया की टोटल वेल्थ जो एस्टिमेट हुई है, ये पहली बार बता रहा हूं कोई भी पब्लिक जगह पे, भारत की टोटल एस्टिमेटेड वेल्थ कितनी है पता है आपको? 11 ट्रिलियन डॉलर। उसके अंदर 2.4 ट्रिलियन डॉलर तो बीएसई की सिर्फ इक्विटी का है और डेट जो लिस्टेड है बीएसई के ऊपर उसको जोड़ लेते हो तो करीब 3.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाता है। भारत की जितनी भी संपत्ति है उसका 30% बीएसई रिप्रेजेंट करता है। आज 142 साल में हमने भारत के लिए वो कमा के दिया है और मुझे लग रहा है कि ऐसी जो भागीदारी की बातें हैं वो पहले कभी नहीं हुई 143 साल के पहले। और जब आप एक दूसरे से जानते भी नहीं हो उसको भी पैसा देते हो भागीदारी के लिए, वो जो प्रॉफिट बनाएगा उसके अंदर आपको कभी ना कभी बाद में प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, इसलिए आप शेयर खरीदते हो। तो उतना ट्रस्ट आज बीएसई में लोगों का है और बीएसई पिछले 25 साल में जितने भी समस्या से गुजरा है आज उसमें से पूरा निकल चुका है। पिछले 5-6 सालों में जितनी भी नई चीजें करी है हमने, म्यूचुअल फंड, एसएमई, ऑफर टू बाय, ऑफर टू सेल, डेरिवेटिव्स इन करेंसी, सभी में आज बीएसई ऊपर है, सबसे ऊपर, एनएससी से भी ऊपर है। करेंसी जो बीएसई ने 6-7 साल पहले बाद में चालू किया था एनएससी के, आज हमारा मार्केट शेयर एनएससी से ज्यादा है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीएसई अभी गोल्ड में भी आने वाला है, अक्टूबर 1 से गोल्ड फ्यूचर्स में भी बीएसई आने वाला है, सेबी ने ऑलरेडी जाहिरात कर दी है और मुझे लग रहा है कि आगे जाके आप सभी को बीएसई पे ट्रेडिंग करना पड़ेगा। उसके पहले ही 2 साल पहले ही मोहित जी ने, जब शक्तिकांत दास साहब ने एक्चुअली अनाउंस किया था यही कॉन्फ्रेंस के अंदर कि वी नीड टू हैव अ स्पॉट गोल्ड मार्केट, तो उन्होंने हमसे तुरंत पकड़ के एक एमओयू करवा लिया था। उसके बाद हमने कई एमओयूज किए बाकी सब एसोसिएशन के साथ और मुझे लग रहा है कि पूरी इंडस्ट्री मिलकर चलेगी और बीएसई भी एक इंडस्ट्री बॉडी थी, आज एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट निकल चुका है कि हमारा रेगुलेटर अलग बन चुका है, लेकिन आज भी बीएसई का जो बेसिक फ्रेमवर्क है मेंबर्स को साथ लेके चलना वो आज भी बरकरार है और मुझे लग रहा है कि आगे जाके बीएसई गोल्ड में भी उतना ही काम अच्छा कर पाएगी कि जो पहले स्टॉक मार्केट में किया हुआ है। एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे अच्छे दिन थे हर्षद मेहता के समय, आज भी हम लोगों को सबको याद है कि मार्केट कितना ऊपर गया था, जहां पर फार्मर्स अपने खेत बेच के एसएससी के सर्टिफिकेट ले रहे थे, वो कोई उनको अपने सेकेंडरी मार्केट के सर्टिफिकेट भी बांट रहा था एसीसी की वजह से, लेकिन उस समय बीएससी का टोटल फ्लोर पे ट्रेडिंग होता था तो 200 करोड़ पर दिन का ट्रेडिंग होता था और 2 ही घंटा ट्रेड कर पाते थे, उसके बाद इतने प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते थे क्योंकि जो ट्रेडिंग करते थे उसमें कोई लिख नहीं पाता था अच्छे से कि आपने 100 में 100 शेयर बेचा है कि 100 में 200 शेयर बेचे हैं, तो उसके लिए हमको पूरा दो तीन दिन खाली उसको मैनेज करने में, वादा और ऑब्जेक्शन सॉर्ट ऑफ करने में जाते थे और सेटलमेंट 15-20 दिन के बाद होता था। पिछले 25 सालों में हमारा टोटल जो डेली वॉल्यूम है कई बार 15 लाख करोड़ होता है एक दिन के अंदर, 200 करोड़ कहां पर और 15 लाख करोड़ कहां पर, 7000 गुना ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गया है। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि रेगुलेशन से कई लोगों को लगता है कि यार अपना धंधा बंद हो जाएगा, अपने को तो बाद में ये प्रॉब्लम होना जाएगा, ये टैक्स हो जाएगा, ये अधिकारी आ जाएंगे, वो सभी निपट लेंगे बॉस। धंधा इतना बढ़ेगा कि आपने जीवन में सोचा नहीं होगा। और इसलिए कहना चाहता हूं कि जब गोल्ड फ्यूचर्स में भी बीएसई आती है वहां पर भी बढ़ेगा, लेकिन आपको स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज आने से
इतनी सुविधाएं हो जाएगी, इतनी अच्छी चीजें हो जाएगी कि पहले जो ब्लॉक कार्ड चलाते थे उनको लगता था कि कार आने से प्रॉब्लम है। एक नया एक पिक्चर भी आया था उस समय, दिलीप कुमार का नाम था, नया दौर, आपने देखा होगा कि नहीं मालूम नहीं है, चर्चा बहुत हुई, प्रेसिडेंट का मेडल मिला, कोई देखने नहीं गया, क्योंकि उसमें दो में हरीफाई थी, दो में एक तरह से कॉम्पिटिशन थी कि बुलॉक जो घोड़े वाला है, टांगे वाला, वो कार से कॉम्पीट करता है और कार उस समय हार गई, उसके बाद कार कभी नहीं हारी। जो नई चीज आनी है उसके साथ हमें संगत करके आगे बढ़ना है, आईबीजीए ने उसका बीड़ा उठाया है, हम उसके साथ है, उसके साथ सहकार करके काम करेंगे और आगे जाके भारत के लिए एक अच्छा मार्केट बनाएंगे बीएसई, आईबीजीए और बाकी सब संस्थाएं मिलकर। और आप सभी को मेरा निमंत्रण है कि आप स्पॉट गोल्ड के लिए भी सोचिएगा और बीएसई के अंदर जब कॉमोडिटी में गोल्ड फ्यूचर्स आते हैं तभी भी आप सोचिएगा। धन्यवाद।